इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। कैंडिडेट विधानसभा जीतने के लायक भी नहीं थे, आप लायक हो जाए कल विधानसभा जीतने के लायक नतीजे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर लायक होते अभी से इतना तीखापन दिखाने की जरूरत नहीं है, कल के आगे बहुत सारा समय मिलेगा। जब कल शाम जब इतने ही बजे हम चर्चा कर रहे होंगे तो पिक्चर बहुत कुछ साफ होगी जी, समय भी मिलेगा और दूसरा कहीं ऐसा ना हो कि कल को एक दूसरे के साथ बैठना पड़े क्योंकि तमाम विश्लेषण इस बात की संभावना को भी नकारते नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल हमारे पास आता है और हमारे सरकार में सहयोग करता है उसका स्वागत है यार, आप स्वागत कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, अगर हैसियत बता रहे हो उनको। अमित जी आप देख रहे हो, नहीं अमित जी आप देखिए कैसा वक्त का क्या तकाजा है, वक्त का क्या तकाजा है कि कल तक जो जाते थे समर्थन लेकर आज वो अपने दरवाजे पर बुला रहे। अच्छी बात है, हम अजय जी के पास जाएंगे। अजय जी, इन्हें लोग के नजरिए से हम एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहते हैं सर, कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें, एक आंकड़ा रखें, हालांकि अंतिम फैसला कल होना है, कल इतने बजे जब हम चर्चा कर रहे होंगे तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, अगर इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटें प्रदेश में जीत जाती है जिसके कि तमाम दावे किए जा रहे हैं हिसार और सिरसा, तो इससे इनेलो की राजनीति कितनी बदलेगी, एक, और इन 2 सीटों को जीतने के बाद क्या विधानसभा चुनाव में वो एक हैसियत के साथ चुनाव लड़ेगी, नंबर दो। आपने क्वेश्चन में एक बात और डाल दीजिए, एक पिछली बार हमारी एक भी सीट नहीं थी, उसके बाद हमारे 32 विधायक आए थे। जेटली साहब तब आपके कॉम्पिटिटर नहीं थे, अभी बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो 6 से 8 सीटें जीत रहे हैं और वो विधानसभा में, ठीक है ठीक है, अब मुझे हम एक सवाल, 4 सीटें अजय जी से सवाल पूछ ले, 4 सीटों के साथ अजय जी दूसरा हिस्सा ये था सवाल का कि बीजेपी अगर 5 से 6 सीटें जीतने में भी कामयाब हो जाती है तो क्या विधानसभा पर उसकी दावेदारी बनती है या लोकसभा अलग चीज है और विधानसभा में स्थिति बदलने वाली नहीं है। ठीक, राजीव जी बिल्कुल सही है, हरियाणा में आप ये देखिए विधानसभा का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन दोनों इतर है और स्थिति ये है कि आप अभी आज की डेट में इंडियन नेशनल लोकदल के पास एक भी सीट नहीं है, जैसा जेटली जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनके पास में विधानसभा में बहुत सीट है, लेकिन आपकी ये क्योंकि हरियाणा कई परिदृश्यों से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जी। तो अब जो आने वाला जो बदला हुआ राजनीतिक समीकरण है उसके बाद में निश्चित रूप से ये लगता है कि जो यहाँ पर छोटे और दल क्रिएट हो रहे हैं और लीडर्स हैं जो तमाम पार्टियां छोड़ करके आए हैं उन सबका भी अपना अपना एक कद है, वो भी लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उसके बाद में जो राजनीति है वो नया करवट लेगी और निश्चित रूप से हरियाणा में जो हरियाणा राज्य की सरकार बनेगी वो निश्चित रूप से गठजोड़ की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत किसी को मिलने वाला मुझे नहीं नजर आता, नंबर एक। ठीक है, नंबर दो, आपने जो ये कहा यदि इंडियन नेशनल लोकदल सिरसा और हिसार दोनों सीटें जीत जाती है तो निश्चित रूप से हरियाणा का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि हरियाणा जनहित कांग्रेस का भविष्य ही हिसार और सिरसा सीट पर टिका हुआ है और ये 2 सीट पर ही, एक पर उनके सुप्रीमो लड़ रहे हैं, एक पर उनके और एक महत्वपूर्ण साथी लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पास 2 ही सीटें हैं और वो दोनों हारते हैं तो इस स्थिति में उनका तो पूरी तरीके से अस्तित्व समाप्त हो जाने जैसी बात है। और जो आपने पूछा कि इसके बाद में इसका जो असर है तो हरियाणा की राजनीति में कुल मिलाकर के असर यह आने वाला है कि इंडियन नेशनल लोकदल को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बड़े वोट बैंक को सपोर्ट कर रहा है और ऐसी स्थिति में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उभर के आ रही है उसकी वजह सिर्फ एक है मोदी, तो केंद्र में मोदी की सरकार देखने के लिए लोग आज भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं और इसलिए इसको राज्य की राजनीति से बहुत ज्यादा जोड़ के देखना
मुझे लगता है बहुत ज्यादा न्याय उचित नहीं होगा। ठीक है अजय जी, हम आएंगे आपके पास और एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन हम बहुत जल्दी से शक्ति जी से और अभित जी से एक सवाल कर लेना चाहते हैं। क्या शक्ति, बहुत नटशेल में हमारे प्रदेश का जो राजनीतिक मिजाज रहा है, क्या हम ये मान लें कि लोकसभा चुनाव तक ही जो मोदी का मोह है वो जनता में है? जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, नतीजा जो भी रहे, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि मोदी की सरकार बनेगी, अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मोह भंग हो जाएगा, बीजेपी बस उतनी ही है, या हमारे प्रदेश में बीजेपी के उठान की कहानी यहां से लिखी जाएगी? जी मैं आपको बता दूं, मैं अजय शुक्ला जी की बात में दो तीन बातें और जोड़ना चाहता हूं, फिर मैं आपके सवाल पर आऊंगा। क्योंकि जैसे आपने हिसार और सिरसा का जो लिया आकलन, ये बिल्कुल सच बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो ये लोकसभा चुनाव है सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ा है, कार्यकर्ताओं की एक मजबूत फौज, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत फौज इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर अगर पूरा विश्लेषण किया जाए चुनाव का, तो मजबूती से जरूर लड़ा गया है, कार्यकर्ताओं की फौज है, नेताओं की फौज है और बहुत ही वेल मैनेज था सब कुछ। लेकिन जो अंडरकरंट जिसको हम कहते हैं राजनीति में और चुनाव के वक्त में, अंडरकरंट जैसी बात इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर नहीं थी। और हजका को जो प्लस पॉइंट है, एक तो उनका मोदी जी का, उनका जो पोस्टर था, मोदी जी का पोस्टर उनके साथ था, और दूसरा ये था कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसको हरियाणा की जनता खूब ठोक बजाकर अजमाकर देख चुकी है। वो सरकार में रहे हैं काफी लंबे समय तक, 6 साल मुख्यमंत्री रहे थे अभी पिछले कांग्रेस की सरकार से पहले अमृता चौटाला जी। लेकिन मैं एक बात ये जोड़ना चाह रहा था उसमें, सुनिए कि कुलदीप बिश्नोई एक नया विकल्प है कि ये क्या विधानसभा चुनाव में क्या परिस्थितियां बनेंगी, उसी पर आ रहा हूं सर। अगर अगर हजका दोनों सीटें हार जाती है और इनेलो का भी खाता नहीं खुलता, तो आने वाले चुनाव जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने, बिल्कुल जो नए क्षेत्रीय दल उभर रहे हैं उनकी भी संभावना है। बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ सर, जो इंडियन नेशनल लोकदल है उस वो जैसा कि मैंने बताया, नए विकल्प की तौर जो नया विकल्प होता है उसकी तरफ लोग ज्यादा देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनको आजमाकर देख चुके हैं। ऐसे में जो भविष्य में नए विकल्प जनता के सामने होंगे, मुझे लगता है कि जनता नए लोगों को ज्यादा चांस देती है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, अरविंद केजरीवाल नया विकल्प लेकर आए, जनता ने साथ दिया। ऐसे ही हरियाणा में भी जो नए विकल्प आएंगे और जो आ रहे हैं जिनको अजमाया नहीं है अभी लोगों ने, उनको मुझे लगता है कि जनता का रुझान उनकी तरफ ज्यादा हो सकता है। और दूसरा ये विधानसभा की बात कर रहे हैं ना, आप नए विकल्प के लिए कह रहे हैं कि हजका भाजपा का गठबंधन, तो इनेलो और कांग्रेस देख चुके हैं हरियाणा की जनता। मैं वही कहूं, कांग्रेस को भी आजमा चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल को भी आजमा चुके हैं, लेकिन नया विकल्प से आपका इशारा बीजेपी हजका गठबंधन से है। ये भी हो सकता है, कोई और दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं आजमाया है उसमें बाकी जो नए विकल्प आने वाले हैं कि बीजेपी इनेलो का भी गठबंधन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये संभावना है। ये सारा जो प्रश्न आपने उठाया था सर, ये उसी में ही है कि अगर हिसार और सिरसा जो पार्टी जीतेगी बीजेपी के साथ, हो सकता है वही पार्टी विधानसभा चुनाव में खड़ी नजर आए। और ये भी सच है, जिस तरीके का बीजेपी में नजर आ रहा है, मुझे तो लगता है गठबंधन की अब जरूरत ही नहीं है किसी सारे की, अब तो अकेले भी लड़ सकते हैं कम से कम। अम्मू जी तो ये दावा करेंगे, ठीक है। एक और विधानसभा चुनाव को लेकर जैसा कि आपने सवाल पूछा था, पोस्टर था लोकसभा चुनाव में कि मोदी जी यहां सशक्त नेतृत्व है, बहुत मजबूत सरकार देंगे, उस तरह से एक मुख्यमंत्री के तौर पर हजका बीजेपी गठबंधन के पास, खासकर बीजेपी के पास कोई ऐसा मजबूत और कद्दावर ऐसा चेहरा नहीं है जिसको लेकर, जिसके पोस्टर को लेकर जनता को ठीक है। एक और सवाल, एक चूंकि हम चर्चा लगातार लोकसभा चुनावों पर कर रहे हैं और कल मतगणना है, कल नतीजे आने वाले हैं, इसी पूरी चर्चा में हमारे प्रदेश में राजनीतिक विश्लेषक एक और सवाल उठा रहे हैं। कहा यह जाता है कि हमारे प्रदेश के जो राजनीतिक पंडित हैं वो थोड़ा सा ज्यादा दूर तक देखते हैं। राहुल जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के नतीजे होंगे वो हमारे प्रदेश की सरकार की सेहत पर भी असर डालेंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है और हर एक राजनीतिक दल के नेता अपनी फील्डिंग लगाने में जुट जाएंगे इन नतीजों के बाद। क्या मानते हैं आपकी सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? प्रदेश के चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और आपने भी यहाँ पे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, दोनों जो मेन राजनीतिक विपक्षी दल हैं वो दोनों यहाँ पे हैं, उनके भी जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जैसे उन्होंने बात की कि चेहरे की बात होती है, ये फला चेहरे के ऊपर राष्ट्रीय चुनाव लड़ा गया, राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर लड़ा गया, विदेश नीति के ऊपर लड़ा गया, किस घरेलू मुद्दों के ऊपर लड़ा गया,
क्योंकि प्रदेश का चुनाव जो विधानसभा का चुनाव होता है उसकी परिसीमन भी बहुत छोटा रहता है, लोकसभा चुनाव बड़े तौर पे लड़ा जाता है, स्थानीय मुद्दे होते हैं, अलग अलग समीकरण होते हैं, तो बहुत से आधार पे लड़ा जाता है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि प्रदेश के चुनाव अलग हैं और राष्ट्रीय चुनाव अलग हैं। नहीं राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, समय थोड़ा सा कम हमारे पास है, हम कल बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। हम आपके बहाने एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, सुबह 6 बजे से इंडिया न्यूज हरियाणा पर मतगणना।